बिहार से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन से वीआईपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार का कमान संभालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मांझी व वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लोगों से महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। दोनों नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। बिहार के सभी जिलों में हो रही लूट, डकैती, अपहरण व हत्या के मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि यही सरकार में कानून का राज है। एक महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसा चुनाव जो उपचुनाव हुआ करता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जो सरकार है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, वो कैसा काम कर रही है उसका एक नजारा मिलता है, एक उदाहरण मिलता है। अगर अच्छा काम कर रही वो सरकार तो उनके कई वोट जीतते हैं, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके कई वोट अगर करते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन संक्षेप में हम कुछ बिंदुओं की ओर इशारा दिलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग ये मानते हैं कि अगर पेट में खाना कुछ कम भी रहे और बाहर में शांति रहे, चैन से हम सो सकें, तो जिंदगी को लोग समझते हैं कि अच्छी जिंदगी है। लेकिन आज उसको कहते हैं वो कब होता है, जब कानून व्यवस्था जिसको लाए कि कहीं चोरी न हो, डकैती न हो, रहजानी नहीं हो, मर्डर नहीं हो, किसी के जमीन को कोई कब्जा नहीं कर रहा हो, इत्यादि इत्यादि बात में जब शांति रहती है तो दो जून कमा करके भी अपना आधा पेट भर करके भी लोग चैन से सोता है। लेकिन ये वर्तमान सरकार जो बिहार की है, हम लोगों का चैन छीन लिया है, हम लोगों की शांति छीन ली है। और सबसे घृणित बात तो ये है, जो हमें कहने में बड़ा संकोच होता है लेकिन कहना पड़ता है, हम आज 40 साल से विधायक, मंत्री और कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रह गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का और विधि व्यवस्था का गिरावट जिस प्रकार से इधर साल डेढ़ साल में हुई है, ऐसा गिरावट कभी नहीं आई थी। और हम आपसे कहना चाहेंगे, ये सन ऑफ मल्ला बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा है, किसी से डरने वाला नहीं है। हमने ठान लिया बिहार का पिछड़ा समाज को आगे लाना है तो लाना है, उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े हम देने के लिए तैयार है। और आप हमें एक हाथ से ताकत दीजिए, एक हाथ में ताकत दीजिए, हमारे विधायक को जिताइए, आप हमारे हिसाब से चलिए, दूसरे हाथ से हमसे ताकत लीजिए। और दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपके ऊपर उंगली उठा सके, ऐसे कोई उंगली नहीं बनना है साथियों। लेकिन जब तक आप हमें ताकत नहीं देंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज हमारे प्रत्याशी को आप जिताइए और देखिए आप लोगों के क्षेत्र में किस तरीके से काम होगा। हमारे दिनेश निशान जी ने घोषणा कर दिया है कि हमारी जितनी भी तनख्वाह मिलेगा सरकार से 12 महीने के लिए विधायक बनेंगे, उस तनख्वाह के आधे पैसे गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए, ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को खर्च करेगा जिसको सरकार के तरफ से नहीं कोई देखा जाता, ऐसे व्यक्ति को आधे तनख्वाह खर्च करेंगे। खाली आप उनको जुटाइए, और ये सिर्फ एक साल के लिए है। और इससे दो काम होगा, एक तो वो भी होगा जो विकास पुरुष अपने आप को नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं विकास करने वाला हूँ। आज देखिए हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में या देश में एक विपक्ष का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। जब सरकार अच्छा काम नहीं करता है तो हमारे जैसे लोग रोड पे सड़क पे उतरेंगे, सरकार को कहेंगे तब सरकार मानेगा और सरकार आपके लिए काम करेगा। आज 15 साल से नीतीश जी हैं, बोल रहे विकास हमने किया, आपने देखा रहेगा 2 दिन बारिश हुआ पटना में, पूरा पटना ढह गया।
और दो दिन में पूरे हिंदुस्तान हिल गया कि पटना के लोग डूब रहे हैं। लेकिन कभी कोसी में नीतीश जी आ जाइए, हमारे समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, ऐसे लोग एक दो दिन नहीं, एक दो महीना तक पानी के बीच में रहते हैं, पानी के बीच में घर है, वहां पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन दो रोज पटना में खाली पानी आ गया, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, टीवी मीडिया हिल गया, लेकिन आप दो महीना तक बाढ़ में रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो बाढ़ में हमको देखने के लिए भी नहीं आए? तो इसलिए यहाँ पे अगर नीतीश जी हारेंगे तो नीतीश जी को मैसेज आएगा, जरूर हम तो कुछ तो गलत काम किए हैं, कुछ तो सही काम नहीं किए, इसलिए सिमरी बख्तियारपुर का विधानसभा का क्षेत्र का जनता, जनता मालिक हमको वोट दे दिया, हमारे प्रत्याशी को हराया, इसलिए वो सोचेगा कि अगली बार कम से कम उसके पास 7 महीने का 8 महीने का समय बचेगा, और 8 महीना 7 महीने में शायद हो सके बिहार में गरीब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।